ऑफर आई. मेरा एक्चुअली बचपन से सपना था कि मैं एक्ट्रेस बनूँ, बट बेसिकली एजुकेशन की वजह से मेरा फुलफिल नहीं हो पा रहा था. तो देन मेरा MBA कंप्लीट हुआ, वहाँ मैं थिएटर्स और बहुत सारी चीज़ें करती थी. तो लेकिन होता है ना मन में कि नहीं, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो हमें चाहिए. तो मैं मुंबई आई, बहुत सारे लोगों से मिली, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया मैं एक्टिंग को लेके. उसके बाद फिर जब यहाँ डायरेक्टर और राइटर ने जब स्टोरी मुझे नरेट की, तो मुझे स्टोरी पसंद आई बेसिकली. तो इसके वजह से मुझे लगा कि अगर फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा, तो मैं यही चाहती हूँ कि पब्लिक में अगर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट रहा है तो मतलब एक नंबर आना चाहिए कि जिससे सब ऑब्वियसली ये एक नंबर हो जाता है. राइट, इवेंट चाहती है कि मैं लव मूवी और सब टाइम आप थ्रिलर में आ रहे हो, तो ऐसे भी अपनी बेसिकली MP में जैसे मैंने क्राइम्स देखे हैं, मैं जैसे छोटी थी ना तो बहुत सारे क्राइम्स हुए, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि मीन्स देखे भी हैं और टीवी में भी, मतलब ऑब्वियसली साउथ इंडिया क्राइम पेट्रोल सब आते थे. तो मैं मतलब डैड का भी सपना था कि मैं IPS ऑफिसर बनूं, बट मैं वो नहीं करना चाहती थी. ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री में आना चाहती थी. तो मैंने सोचा कि पहला मैं ये चाहती हूँ, मैं मॉम डैड और इवन पब्लिक के अकॉर्डिंग मैं ये चाहती थी कि पहली मेरी मूवी जो है वो क्राइम के ऊपर है. मैंने ये सोच के ही, और ये मुझे स्टोरी बेसिकली पसंद है. क्राइम की स्टोरी तो बहुत सारी होती है. इसने सोच के ही क्राइम किया. सोच के क्राइम किया. नो, इसे बताने जैसा कि आपने नाम लिया अब्बास मस्तान का, सस्पेंस थ्रिलर बना. अच्छा अच्छा. लेकिन उनकी फिल्म में कोई ना कोई एक करेक्टर ऐसा होता है जो कॉमेडी करता ही रहता है, तो इसमें कौन निभा? इसमें धर्मेंद्र है हमारे. उनका कितना स्कोप है जरा बताएंगे? उनका इंटरवल के पहले तक के उनका पूरा रोल रहेगा. सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक स्ट्रगलर से अचीवर तक का ये जो सफर होता है, कई सारे लोग मिलते हैं, कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कई फेक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये